think it's very important. Exercise कम हो चुकी है कोविड के टाइम से, तो also exercise जिम बहुत अच्छी चीज बन चुकी है. So I think it's very important people to get back. And sometimes you try a lot of things, बहुत चीजें try करते हैं लेकिन होता ही नहीं है, weight loss होता ही नहीं है. So I think it's very important for somebody who's actually gone through the journey. बहुत सारी book लोग लिखते हैं जो already पतली हैं और वो लिख रहे हैं कि मैं ऐसा करो ऐसा करो. But it's very important to find somebody who actually has been through the process. Do you follow the index? What was the best thing about it? I've seen, I mean, I've been reading the book before, so to understand what is there in the book. And I really enjoyed the honesty. Just the way that I told you that these things are actually important. Macronutrients, micronutrients. Food is so important that you enjoy food and not to have notions, you know, what about you. So I think it's very practical, very valuable, and it's a way of life. And what do you actually do? और बचपन में गाता था लेकिन छूट गया क्योंकि डांसिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा था. फिर यू नो अभी इस लॉकडाउन में मतलब कुछ वापस उस जो सोए हुए अरमान को जगाया है ट्रेनिंग ली 2 साल तक और फिर यू नो कंपोजर के साथ आया गाना गाया. वेट वेरी गुड. एक अलग जर्नी में तय कर रहा हूँ और 2 और गाने निकालूंगा एक्चुअली होपफुली इन दिस ईयर मे बी नेक्स्ट ईयर. जो डांस वाले हों ताकि डांसिंग का जोश जो है जो क्लब्स में लोग लोग गा सकें और इन्जॉय कर सकें. सो दैट्स द ड्रीम. थैंक यू. उमेश और मैं 20 साल से दोस्त हैं. मेरा सेकेंड शो फैमिली नंबर 1 उमेश के साथ था. तब वो बहुत पतला था, उसके बाद बीच में मोटा हो गया. नहीं नहीं मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया और फिर से पतला हो गया. एंड फिटनेस के बारे में आप तो जानते हो, फिटनेस को लेकर आपने मुझे देखा ही है, बिग बॉस में देखा है, उससे पहले देखा है बॉलीवुड में फिट. तो ये बुक जब उमेश ने मेरे को बोला कि बुक फिटनेस के बारे में यार और मेरे फिटनेस के बारे में मेरे जर्नी के बारे में, तो मैंने सोचा कि बहुत इंटरेस्टिंग है फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू नो कि कोई इंसान जो पतला था फिर मोटा हो गया फिर से पतला होकर उसे मेंटेन कैसे कर रहा है. सो आई सेड आई विल बी देयर, आई हैव अ फ्लाइट टू कैच, मुझे मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट यहाँ से सीधे. पर मैंने कहा कि मैं शो ले आऊँगा. दो रीज़न है, एक तो आज उमेश का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे टू उमेश. दूसरी बात यह है कि फिटनेस के बारे में कोई चीज़ हो और विशाल गोल्डन मिस करे ऐसा हो ही नहीं सकता. और आपका हाल ही में जो सॉन्ग आया सिद्धार्थ शुक्ला का काफ़ी अच्छा और काफ़ी चर्चे में था सॉन्ग, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, उसके बारे में यार पब्लिक को जो अच्छा लगे ऐसा काम करते रहेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगा उनके लिए और काम करेंगे और मेहनत करेंगे. पर लकीली सॉन्ग इज डन वेरी वेल, इट्स क्रॉस्ड मोर देन 1.5 मिलियन व्यूज. तो बहुत खुश हूँ सॉन्ग को लेकर. दो चीज़ करना चाहिए, एक तो बहुत पुराने हमारे आप सब बहुत लोगों को लगेगा कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ पर ज्ञान नहीं है ही कि मैं कोई फॉलो करता हूँ. बहुत जो हमारे ऋषि मुनि फॉलो करते थे जो जैन डाइट में भी है, 8 बजे के बाद मत खाइए, उसके पहले जो खाना है खाइए. मैं सब कुछ खाता हूँ, मैं जलेबी रसगुल्ले गुलाब जामुन सब कुछ खाता हूँ. बस एक बॉडी के लिए पर्टिकुलर कैलोरीज होती है, उसे मैं काउंट करता हूँ हमेशा उस कैलोरी के नीचे, यानी कि हमेशा कैलोरी डेफिसिट में रहता हूँ. फिर क्या खाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलेस एंड अंटिल यू आर इन कैलोरी डेफिसिट. 8 बजे से पहले खाना बंद कर दीजिए और 1 घंटा निकालिए अपने स्वास्थ्य के लिए. 1 घंटा एक्चुअली सिर्फ 4% है दिन के, 24 घंटों में से 1 घंटा इज ओनली 4% ऑफ योर डे. सो इफ यू कैन डू 1 आवर एवरी डे एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज हो, वॉक पर जाइए, कोई स्पोर्ट खेलिए, जिम पर जाइए, कुछ भी कीजिए. ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगे जिम में जाके महंगे इक्विपमेंट पर ही एक्सरसाइज करें, आप कुछ भी करिए जिससे फिजिकल एक्टिविटी हो, बस उतना कीजिए. सोशल मीडिया का जो युग आ गया है, सब लोग बहुत ही कॉन्शियस हो गए हैं ऑफ हाउ फिट दे आर.
But I would say not just fit they are physically but mentally as well. So I think it's a great book. हम सबके पास ये book होनी चाहिए, हम सबको ये book पढ़नी चाहिए. Because all of us go through our unfit phase in life. So I think how to get back to your fit phase, do the body switch, and from flab get back to being fab. You know, we're just fabulous. That's what our aim should be, because we are all in the world of entertainment. And people who are not even in the world of entertainment are very, very conscious about the way they look. So I think big congrats to Umesh Pilwani, who's such an all-rounder, an anchor, an actor, a scientist, a singer. So उन्होंने मेरे साथ एक गाना भी गाया हुआ है. So I think he's an all-rounder. And big up to Umesh Pilwani and big congratulations for this. किसी का बर्थडे जी. ऑफ कोर्स आई लाइक टू सिंग. आप बताइए कौन सा गाना गाऊंगा. कोई भी गाना गा दी. मैं जिंदा गाती हूँ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट बीइंग अलाइव एंड हेल्दी एंड किकिंग. राइट राइट. मौत शर्मिंदा है जिसमें जहाँ सब जिंदा है, हवा कप है, सांसें दफन है, मिट्टी मिट्टी है, सब जिंदा हूँ के लिए. 90 days of fitness. First of all, you see, we all work out, we all eat, and then we are saying, yaar wo kitni mehnat karta hai, ye to karta hai, ye sab log zyada tar log aisa bolte hain. But then there's a person like Umesh. 90 days ke pehle ki ye picture aap log dekhte hain, and then that's मैं खुद मेरी बात करती हूँ ना. आई मीन आई एम अ पर्सन. मैं रोज़ सुबह देर घंटा वो आई मेक श्योर आई ईट एवरीथिंग. आई कांट डाइट. आई नो दैट अबाउट मी. आई एम अ फूडी. सो मैं बर्गर खा के मेरे क्रंचेस कर रही थी. मैं सब कर आई जस्ट वांट टू सी दिस टू बी क्लियर दैट लेट्स नॉट जस्ट कंप्लेन. We humans like to complain a lot about everything in our life. Why? Enjoy. Enjoy your body. Love your body. And your body will respond. And that's what Umesh is written. I mean, I'm going to go home. I'm going to read his book. And I think everybody should read this. It's good worth it. आपने कोई चैप्टर्स पढ़ा, कोई पर्सन, कोई ऐसा चैप्टर जो काफ़ी अच्छा लगा हो, एनी लाइफ लेसन वुड यू लव टू गिफ्ट टू आवर ऑडियंस. एज ऑफ नाउ ऑनेस्टली आई हैवंट, बिकॉज़ अभी वो लॉन्च हुआ है कुछ व्हिच कॉल मी एंड आई एम आल्सो वेरी हैप्पी दैट दिस बर्थडे ऑन दिस बर्थडे दिस लॉन्च हुआ. सो मैं अब कल जाऊंगी एंड आई एम गोइंग टू रीड इट. एंड ऑब्वियसली I like inspiring. I like, you know, when you know someone just comes out and says, you know what, I did it. So I'm definitely gonna post about it. I'm gonna post about a lot of life. I'm definitely gonna post about it, and you know, gonna. I mean, whatever you said. So yeah. Yes, I'm gonna grab those brilliant chapters. And what do you want to say after the lockup? We have seen the 2.0 version of Poonam Pandey, and people want to see you in doing a great project. So tell us something about your. First of all, you tell me what's 2.0 version. I want to know. The new version of Poonam Pandey where people can see me. Yeah. Oh yeah, he's like from yeah, from behind, not picture like yeah. Even I think it's 2.0. No, same. I am just the way I am. Lockup. Exactly. कि जैसे ही और था वापस से मैं एक्टिंग में घुस चुकी हूँ फुल फ्रेश. सो मुझे अच्छी बिग बॉस. बिग बॉस इज कमिंग अप एंड टेल अस ये लॉक में नाउ. सो आई एम लाइक फुल ऑन मतलब इंडिया कल का मैं जीत गई. शाम की शाम बुक के बारे में थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. ये जो बुक है मेरी मेरी तीसरी बुक है. एंड मेरी पहली बुक थी आई आउट ऑफ योर माइंड, सेकंड बुक थी द माइंड स्विच, और थर्ड बुक जो है द बॉडी स्विच. और ये जो है हमारे माइंड बॉडी सोल, ये तीन ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे ह्यूमन लाइफ के, और इन्हीं को हम निग्लेक्ट करते हैं. जब हम बात करते हैं माइंड की तो हम
यू नो बहुत ही अलग अलग हमारे विचार आते हैं पर वो विचार हमारे काम के नहीं होते। उसी तरह हमारे खाने को लेके भी हम जो खाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें खाली इस वजह से खाते हैं क्योंकि वो खाई जाती हैं, हम उनको कभी क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि हम कब शुगर खाते हैं, हम ग्लूटेन खाते हैं यानी कि मीट चपाती खाते हैं, हम ऑयल्स खाते हैं, हमें नहीं पता है कि हमारे बॉडी में जा क्या रहा है। पर कितने ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को थोड़ा थोड़ा करके डैमेज कर रही हैं और हमें पता नहीं चल रहा है। आपको ये जानकर ताजुब होगा कि ह्यूमन सेल जो है 800 साल तक जिंदा रह सकता है, यानी कि किसी भी इंसान की उम्र 800 साल हो सकती है, पर हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हम उस उम्र को कम करके अभी 80 साल तक लिया है, 10 गुना कम कर लिया है। तो ये जो बुक मैंने लिखा है वो एक जागरूकता लाने के लिए लिखा है, लोगों के लिए एक अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए लिखा है। मैंने अपनी न्यूरोबायोलॉजी की है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, आई हैव डन माई डाइट एंड न्यूट्रिशन कोर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ द बेसिक्स ऑफ फूड साइंस, और उसी के माध्यम से उसी की नॉलेज से मैंने शेयर किया है। पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट करके मैंने 32 किलो लूज किए 3 महीने में, 90 डेज में, वो टाइटल बॉडी स्विच flap to fab in 90 days. And when I was reading the content, there are so many things that you have written about the nutrition, about the mindset, about the way to express, the way to exercise. Tell us something about it. Yes, so the whole thing I've done is I would get a lot of clients who wouldn't be able to afford because I'm also busy as an actor and an MC. So I decided ki book mein I'll put all this information down. So coming to your question, it's all about getting the right roadmap, putting your mental balance in the right attitude to understand ki pehle to main sawal we have to ask is why do I want to lose weight. Once we get the answer to that, once we understand the reason why I want to lose weight, if I want to live a long life, mujhe apne pyaron ke sath rehna hai, apni family ke sath rehna hai, mujhe zinda rehna hai, kitni khoobsurat duniya hai, जितने ज़्यादा साल हम रहेंगे इसके बाद किसी ने देखा नहीं है क्या होगा, पर इस लाइफ को तो हम खूबसूरत बनाएं। और सिर्फ माइनर चेंजेस करके अपने डाइट में, इस बुक में बहुत खूबसूरती से वो मैंने समझाया है ताकि एक्शनेबल स्टेप्स लेके आदमी अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। मेरे पब्लिशर हैं निकेत राज द्विवेदी जो कि राइट ऑर्डर के CEO हैं और वो एक यंग डायनामिक पब्लिशर हैं, उन्होंने इस बुक को ऑलरेडी यू नो रीजनल लैंग्वेजेस में भी पब्लिश करने के लिए कहा है, प्लस दे आर ऑल्सो टेकिंग इट पैन इंडिया एवरी मेजर बुक स्टोर राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट्स टू द एनी बुक स्टोर आउट देयर विल बी स्टॉकिंग दिस बुक्स एंड बहुत ही अग्रेसिवली ये इस बुक को प्रमोट कर रहे हैं। रीजनल भाषा में भी पब्लिश, बिल्कुल रीजनल भाषाओं में भी। फिलहाल हम लोग ने हिंदी और मराठी प्लान किया है पर इसके बाद हम लोग और भी रीजनल भाषाएँ सोच रहे हैं। बॉलीवुड और या टेलीविजन से काफ़ी सेलिब्रिटी ने सपोर्ट किया आपको, क्या कहना चाहते हैं? मेरा रिएक्शन बस वही है कि एक यू नो किसी भी इंसान का, मैं एक्टर रह चुका हूँ, अभी भी वेब सीरीज़ कर रहा हूँ और मेरे एक फ़ोन कॉल पे ये सारे जन इधर आ गए और उन्होंने आके यू नो इतना सपोर्ट दिया मुझे। आपने देखा राइट फ्रॉम दी टॉप मोस्ट नेम्स इन द इंडस्ट्री, एक फ़ोन कॉल पे वो यहाँ पे आ गए। तो मुझे सिर्फ अपने आप यू नो अपने गुड लक पे अच्छा फील हो रहा है कि मेरे लाइफ में इतने अच्छे लोग हैं जिन्होंने एक फोन कॉल पे मेरे सपोर्ट के लिए हाजिर हुए। Happy birthday, like you know. Thank you. It's a great thing, like you know, your journey is very inspiring also, like you know, inspiring also. But आपने भी जो 800 साल का जो कहा कि exactly, how is it scientifically? It is scientifically proven. Everything, every word in the book. It's a 60,000 word book. Every word in the book has been scientifically researched. ये मैंने नहीं लिखा है, मेरी I don't take credit for this information. मैंने clearly mention किया हुआ है references of different doctors from Stanford University, from Yale University, Met University, people who are experts in neuroscience. मैंने lockdown के दौरान 125 घंटे का neurobiology का course किया और understand किया कि neurobiology होती क्या है, amino's क्या होते हैं, macros क्या होते हैं, micros क्या होते हैं, कौन से nutrients हमारे cells absorb कर सकते हैं, reject करते हैं, sugar हमारे बॉडी में क्या डैमेज कर रहा है, उसके पूरे डिटेल में डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिक पे आप वीडियोस देखिए जाके यूट्यूब पे। तो ये मेजर रिसर्च के बाद एवरी वर्ड इन द बुक हैज बीन साइंटिफिकली रिसर्च्ड। बट द ह्यूमन नेचर दैट लाइक दे डोंट फॉलो, तो व्हाट द मैक्सिमम लाइक यू नो एक एज जहां पर आई डोंट नो इफ यू रिसर्च कितना आदमी ने कितना जिया है। देयर आर पीपल हु आर अनडॉक्यूमेंटेड एंड हु हैव लिव्ड फॉर 300-400 इयर्स और अभी भी वो जिंदा है, बट देयर इज नो डॉक्यूमेंट प्रूविंग देयर एज, बट दीज आर दोस people who have gone up to the mountains and living right there, so you know for them you know to be there's a city in Japan, Okinawa, if I'm saying it right,
And वहाँ पे देर आर द मोस्ट सेंटेनियल्स विच मीन्स द मोस्ट पीपल लिव टू अ 100 और उनका डाइट रिसर्च किया तो उनका एक नेचुरल इंटरमीडियट फास्टिंग है उनके डाइट में नेचुरली शुगर नहीं है एंड दे जस्ट टेक स्वीट पोटेटोज तो आप रिसर्च करके देखिए विकीपीडिया पे एंड ओकिनावा में पीपल लिव मोर देन 100 मोस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल सो दैट्स पॉसिबल यू नो आज हमारे आई जस्ट लॉस्ट यू नो माई अंकल इन LA एंड ही वाज जस्ट 67 एंड पीपल वर सेइंग अरे ही लिव्ड अ गुड लाइफ 67 मैं 50 का हूँ आई हैव टर्न 50 टुडे सो लाइफ तो अभी शुरू ही है यार क्यों गिव अप कर देते हैं लोग सोचते हैं मैं मेरे दोस्त हैं वो रियूनियंस में मैं जब जाता हूँ कहते हैं कि यार अब तो 50 साल के हो गए अभी क्या लाइफ यार लाइफ अभी शुरू हो रही है यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइफ बिगिंस नाउ एंड यू हैव यू कैन लुक बैक एट 50 एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू यू आर इन फैक्ट थैंक यू सो मच ऑल द लास्ट मंथ से 2 बजे मैं सोया रहता था ये जगह रहता बैठ के मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं कि उमेश इससे बात हुई है उससे बात हुई है ये आ रहा है वो आ रहा है पूरा उन्होंने इज टेकन अनबिलीवेबल एफर्ट्स टू मेक दिस अटैच और मैं एक बात कह सकता हूँ कि जब मैं मेरे घर में एंड माई किचन आई गॉट नो सिग रेंज एट ऑल मोबाइल रेंज तो मैं किचन में जाता था टू टॉक आई मीन लाइक एवरी ओवर द होल हाउस हैज गॉट नो रेंज एक्सेप्ट द किचन रेंज गो टू द किचन टू डू माई टू गिव माई टॉक टू हिम सो ये क्या मुझे बोलता था किचन में जा रहे हो भले जाओ पर अपना बूथ स्कॉच टेप लगा लो सो इट हैज बीन अ वेरी लवली जर्नी वी हैव बीन एवरी डे टॉकिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट वी हैव बीन गोइंग आउट टुगेदर डूइंग रिसर्चेस फॉर ऑल द थिंग्स आउटडोर वर्क दैट वी हैव टू एंड आई थिंक ही हैज रियली डेडिकेटेड ही एंड श्वेता हिज वाइफ हैव रियली ओवर टू यू प्रदीप आई एम सॉरी टू इंटरप्ट आई हैव टू रश बैक थैंक यू सो मच एंड श्वेता हैव रियली डन सो मच ऑफ यू नो श्वेता श्वेता वन मिनट Shweta is Umesh's wife and she has really worked so hard for the, I know but the way she has dedicated herself you know and from morning to night taking everything you know minute detail they have taken care of in this whole event and that's the reason you can see this whole event has gone super thank you so much thank you all for being a part of it and the celebration